दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, मगर वो पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को दोस्तों हमारे देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है मगर वो पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को लेकर मैं एक लाइन बोलता हूं, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही हालत है छलांग मूवी में राजकुमार राव की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़े भैया राजकुमार राव की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि छलांग से। तो दोस्तों छलांग को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया ये फिल्म भी सिनेमाघर में रिलीज ना होकर सीधा सीधी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। यानी कि भैया इस फिल्म का रिलीज डेट फाइनल कर दिया गया है इस फिल्म के ट्रेलर को जारी करते हुए। यानी कि भैया आप इस फिल्म को देख सकते हो Amazon प्राइम पर 13 नवंबर को, यानी कि भैया लक्ष्मी बम के कुछ दिन बाद यह फिल्म रिलीज कर दी जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि Amazon प्राइम पर। तो दोस्तों कैसी है इस फिल्म की कहानी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अंसल मेहता ने और भाई इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है अजय देवगन और लव रंजन ने। और भाई इस फिल्म को लिखा है किसने, तो भैया लव रंजन, आशीष अरोड़ा और जिशान कादरी ने मिलकर। यानी कि भैया कहानी जो है वो लव रंजन की है लेकिन भैया पूरी फिल्म को तीनों राइटरों ने मिलकर लिखा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया एक्टर्स की। तो भैया इस फिल्म में नजर आने वाले हैं राजकुमार राव, नुसरत भरूचा, मोहम्मद जिशान अयूब, सतीश कौशिक, सौरभ शुक्ला और इला अरुण। यानी कि भैया फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ही बेहतरीन है। और अगर फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो भाई एक छोटे से शहर की कहानी है। यानी कि अगर बताऊं तो भैया फिल्म का जो प्लॉट है वो यूपी और बिहार के इर्द गिर्द लिखा गया है। और इस फिल्म में यह बात दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमारे छोटे शहरों के स्कूलों के जो टीचर होते हैं वो किस लेवल के होते हैं। दोस्तों जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि राजकुमार राव जो हैं वो इस फिल्म में एक स्पोर्ट्स टीचर के तौर पर नजर आ रहे हैं। यानी कि भैया वो एक कोच की भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म में। और भाई इस फिल्म में वो जिस तरीके से बच्चों की कोचिंग कर रहे हैं ना, उसको देखने के बाद तो भाई बच्चों के भविष्य के बारे में मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है कि भैया ये बच्चे खेल जगत में कुछ कर पाएंगे क्या, क्योंकि भैया उनके बोल वचन को देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है। और भाई जिस तरीके से एक बच्चा उनको क्लीन बोल्ड करता है और उसके बाद राजकुमार राव अपने बोल वचन के माध्यम से बच्चे को ये बोलते नजर आते हैं कि बहुत अच्छा सिखाया है मैंने। लेकिन भैया कहते हैं ना कि आपका झूठ ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता, एक ना एक दिन आपकी झूठ की पोल खुलेगी। और भाई उनकी झूठ की पोल स्कूल में आकर खोलता कौन है, तो भाई वो किरदार है मोहम्मद जिशान अयूब। यानी कि भैया जैसे ही मोहम्मद जिशान अयूब की एंट्री होती है स्कूल में, भाई यहां पर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। किसके लिए, तो भैया राजकुमार राव के लिए। यानी कि भैया मोहम्मद जिशान अयूब के आते ही उनके लाइफ में बहुत सारे उथल पुथल शुरू हो जाते हैं। यानी कि भैया उनकी जो प्यार की कहानी जो आगे बढ़ रही होती है नुसरत भरूचा के साथ, वो बीच में ही डगमगाने लगती है। यानी कि भैया मोहम्मद जिशान अयूब जो हैं वो उनके प्यार के रास्ते में तो आते ही आते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो उनके भैया प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाते हैं। और भाई उनकी जो नौकरी है वो खतरे में आ जाती है और उसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई यहां से कहानी थोड़ी सी चेंज होने वाली है। यानी कि भैया अपनी नौकरी, अपने प्यार को खतरे में देखकर राजकुमार राव भी लोहा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। किससे, तो भैया मोहम्मद जिशान अयूब से। और भाई यही इस फिल्म का टर्निंग पॉइंट होगा जो कि भाई आपका दिल जीतेगा। और भैया अगर फिल्म की कहानी और डायलॉग्स की बात करें तो भैया फिल्म की कहानी जो है वो यूपी और बिहार के बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो भाई फिल्म का जो डायलॉग होगा बहुत ही टची और बहुत ही क्रिस्पी होगा जो कि लोगों को हंसाएगा भी और झकझोर कर रखेगा भी। तो दोस्तों कहानी अच्छी लग रही है और इसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई इस फिल्म को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से राजकुमार राव लोगों का दिल जीतने में एक बार कामयाब हो सकते हैं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, राजकुमार राव इस फिल्म के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे छलांग मारने में कामयाब हो पाएंगे। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।